हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल फूड फीवर पे। आज मैंने बनाया है एलिफेंट एप्पल पिकल की रेसिपी, तो चलिए इसे हम बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बोलूं कि एलिफेंट पिकल जो है, एप्पल का जो पिकल है, ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसके बहुत सारे हेल्दी बेनिफिट्स हैं, आपको तो पता ही होगा। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 6 मीडियम साइज़ के एलिफेंट एप्पल। इसे मैंने अच्छे से धो के सुखा के अब मैं इसे काट रही हूँ। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से काटना है। देखिए बहुत ही फ्रेश है, हमारे यहाँ इजीली अवेलेबल है। तो ये जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है, आप इसे बिल्कुल ना फेंकें, ये आपके डैंड्रफ और हेयर फॉल का सोल्यूशन है। तो देखिए आपको ये सॉफ्ट वाला पोर्शन ही लेना है, जो हार्ड वाला बाहर का पोर्शन है, जैसे कि ये, इसे आप ना लें। अभी हमको सारे के सारे इसी तरह से सॉफ्ट पार्ट को आप निकाल लीजिए। हम इसी तरह से सारे निकाल लेंगे। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है, पर इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम इसे अच्छे से धोएंगे। धो के अच्छे से पानी को आप सुखा लीजिएगा, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर हम इसे थिन स्लाइसेस में काटेंगे, मोटे स्लाइसेस बिल्कुल ना रखें, क्योंकि गलने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो थिन स्लाइस रखेंगे तो ज़्यादा इजीली बन जाएगी। इसे बनाने में करीबन 20 मिनट तो लगे जाते हैं। बहुत ही इजी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और टेस्ट में तो ये बिल्कुल लाजवाब रहता है, तो आप इसे ट्राई करना ना भूलें। तो देखिए मैंने यहाँ पर काट लिया है। अभी हम लेंगे ग्रीन चिली, रेड चिली, ये मेरे गार्डन के चिली है, देख सकते हैं आप, मोटे हैं कोई पतले हैं, आपको किसी भी टाइप के चिली, जितने भी आप खाते हैं उसी अनुसार से आपको ले लेना है चिली। इसे हम अच्छे से बीच से काटेंगे। फिर हमने लिया है सरसों, मेथी, अजवाइन, काला जीरा, ये है सौंफ और जीरा धनिया। कढ़ाई को गरम करेंगे और सारे मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। मसाले अच्छे से भून जाने के बाद अभी हम इसे मिक्सर पे ग्राइंड करेंगे। हम इसे बिल्कुल दरदरा सा ही पीसेंगे, देखिए बिल्कुल इसी तरह से पतले बारीक ना पीसे। फिर हम कढ़ाई में गरम करेंगे तेल, 1 कप, 4 टेबलस्पून आप कह सकते हैं बड़े चम्मच के। उसमें हम डालेंगे 5 फ़ोरन, 1 टेबलस्पून। फिर हम डालेंगे चिलीज जो कि हमने काट के रखे थे, और जैसे ये थोड़े से ब्राउन हो जाते हैं, अभी हम ऐड करेंगे सारे के सारे एलिफेंट एप्पल। ऐड करने के बाद आप इसे हाई फ्लेम में अच्छे से भून लीजिए, ताकि इसका कच्चापन चला जाए। पाँच मिनट बाद आप इसमें नमक ऐड कीजिएगा, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी 1 चम्मच, और अच्छे से इसे फिर से भून लीजिए। फिर से हम इसे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। 5 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे जो मसाले हमने तैयार करके रखे थे, बिल्कुल भर के 3 चम्मच हमने डाला है।
मसाले आप बिल्कुल अच्छे से डालें, इससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है स्ट्रांग हो जाता है। फिर हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, ये कश्मीरी मिर्च नहीं है। फिर हम इसे 2 मिनट तक अच्छे से लो फ्लेम में कुक होने के लिए देंगे। 2 मिनट बाद ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा, सारे मसाले मिल जाएंगे। करीबन 20 मिनट लग जाता है ये रेसिपी तैयार होने के लिए। तो देखिए ये बिल्कुल लगभग पक ही चुका है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं, देखिए कितना लाजवाब बना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल में और भी ऐसे पिकल के रेसिपी है, मैंगो पिकल है, कैबेज पिकल है, आप उन्हें जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।